जब बुखार आता है और जब बुखार जाता है, उतरता है तो मुंह कड़वा हो जाता है। जब बुखार आता है और जब जाता है तो मुंह कड़वा हो जाता है, ऐसा होता है ना, याद है? हाँ, जब मुंह कड़वा हो जाता है तो कोई भी चीज खाओ कैसी लगती है? यदि मीठा दूध पियो तो वो भी कड़वा लगता है। दूध कड़वा है या मुंह कड़वा है? मुंह कड़वा है। ऐसे ही भगवान महावीर की वाणी जब किसी को अच्छी ना लगे तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उसकी बुद्धि कड़वी है, उसकी बुद्धि उल्टी है। जब उसे उसके आत्मा के हित की बात अच्छी ना लगे तो समझना चाहिए कि उसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। यदि मिथ्यात्व का उदय ना हो, सम्यक्त्व का उदय हो, तो उसे भगवान महावीर की वाणी बहुत अच्छी लगेगी। जब इंसान स्वस्थ होता है तो उसे दूध बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रुच रुच के पीता है, थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, है ना। लेकिन जब वही दूध बुखार के बाद पिया जाता है तो कड़वा लगता है। ऐसे ही जब विपरीत बुद्धि होती है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है। आप लोग अपने बच्चों को समझाते, बेटा बुरी संगति में मत रहा करो, उसके साथ मत रहना, वो शराब पीता है, उसके साथ मत रहना, वो ऐसा है, मानता है तुम्हारी? नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसकी विपरीत बुद्धि विपरीत है। यदि बुद्धि विपरीत हो तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और उल्टा माता पिता को बच्चे जवाब देने लगते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य माने। तो जो इष्टोपदेश है, जो इष्ट उपदेश है, वो कौन सुनता है, किसको अच्छा लगता है? पहली बात पुण्य का उदय हो, दूसरी बात भव्य हो, सम्यक 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 दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहाँ सम्यक शब्द का प्रयोग कर दिया है। इससे आप इसका मतलब रत्नात्रय निकाल लो। रत्नात्रय किसको होता है? जो भव्य होता है। जो भव्य नहीं होता है उसे रत्नात्रय होता ही नहीं है। तो रत्नात्रय जिसको होता है वो भव्य है। तो यहाँ पर सम्यक शब्द आया, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य माने। तो सम्यक धी यानी बुद्धि, जिसकी सम्यक बुद्धि है, जिसके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, अथवा सम्यक दर्शन है, चौथे गुण स्थान वाला, उसे भी अच्छा लगता है उपदेश। भले वो चारित्र में पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उपदेश उसे अच्छा लगता है। वो महसूस करता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मन में भाव है कि मैं उपवास करूँ, मैं त्याग करूँ, मैं अणुव्रत लूँ, मैं महाव्रत लूँ, मैं दीक्षा लूँ, ऐसी ऐसी अंदर से छटपटाहट रहती है कि मैं क्या कर लूँ। रहता तो वो गृहस्थी में है, लेकिन गृहस्थी में रहने के बाद भी उसके मन में छटपटाहट रहती है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान इतनी शक्ति दो कि मैं खूब त्यागव्रत उपवास कर सकूँ। छटपटाहट रहती है कि भगवान वो दिन कब आएगा जब हम भी संयम का पालन करेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम भी अणुव्रत और महाव्रत का पालन करेंगे। अभी ना तो तन में शक्ति है, ना मन में शक्ति है, ना वचन में शक्ति है। भगवान ऐसे भाव बना दो, ऐसे आशीर्वाद दे दो, ऐसी कृपा कर दो कि मैं भी धर्म को संपूर्ण रूप से पालन कर सकूं। वो कर नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर में छटपटाहट है। ये छटपटाहट ही तुम्हारे सम्यक दर्शन में कारण बनेगी, ये छटपटाहट ही तुम्हारे संयम में कारण बनेगी। जो चीज तुम आज मांग रहे हो ना, और आज मिल नहीं पा रही है, लेकिन भाव तो तुमने बना लिए हैं, विचार तो तुमने बना लिए हैं, अंदर में तुमने एक भावना पैदा कर ली है, परिणाम पैदा कर लिए हैं। उसका परिणाम ये होगा कि जब अगला जन्म होगा तो वो सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी।
कम से कम आज शरीर से प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, भावना से तो सोच सकते हो ना। भावना से सोचने में तो उपवास नहीं करना पड़ता है, भावना से सोचने में तो कुछ नहीं करना पड़ता है। अंदर की भावनाओं को शुद्ध बनाओ और अंदर में भाव बनाओ कि भगवान मैं क्रोध ना करूं, मैं मान ना करूं, मैं मायाचारी ना करूं, मैं लोभ ना करूं, मेरे अंदर ऐसी शांत परिणाम हो कि मैं इन सब से दूर रहूं, मैं पापों से दूर रहूं। अंदर जब आप सामायिक करना शुरू कर दो, यदि इन भावों को चलते फिरते घर में नहीं बन पाते हैं, सामने निमित्त ऐसे मिलते हैं कि जैसा सामने वाला होता है वैसे आप बन जाते हैं, है ना। सामने वाले ने क्रोध किया, तुमने क्रोध कर दिया। सामने वाले ने मायाचारी करी, यदि तुम समझ गए तो उसकी बुराई कर दी। सामने वाला लोभ में बोल रहा है तो तुमने उसकी बुराई कर ली। हाँ, पता है इसका क्या स्वार्थ है, ये किस लिए हमसे अच्छे से बोल रहा है। तो तुम्हारे भाव वैसे हो जाते हैं। तो यदि आपको अन्य समय में इन सब भावों को भाने का टाइम नहीं मिलता है तो 24 घंटे में एक बार सामायिक करनी चाहिए, कम से कम। वैसे तो 3 बार की बताई है, लेकिन एक बार तो सामायिक करनी ही चाहिए, कम से कम एक बार। तो उसमें क्या होगा, अब जब तुम बैठोगे तो उसमें क्या करना है, इसमें यही करना है, मेरी आत्मा कैसी है, मेरी आत्मा भगवान आपकी आत्मा कैसी है, आप भगवान कैसे बन गए, आप सुखी कैसे हो गए, हम दुखी क्यों हैं, हम दुख के कारणों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए है, इन सब भावों को बैठकर सामायिक में बस ये किया जाता है। सामायिक करने का मतलब ही यही होता है कि हम जो जो कर रहे हैं उसको नहीं करने की भावना सामायिक में करी जाती है। लोग पूछते हैं मेरे से, बोले माता जी सामायिक में क्या करें, बस यही करना पड़ता है सामायिक में। मैं समझ गई आपके प्रश्न, समझती हूँ आप पूछने वाली थी और आपको उत्तर मिल गया, है ना। तो सामायिक में यही किया जाता है। यदि आप सामायिक में बैठकर आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं तो आलोचना पाठ इतने भाव से पढ़ो, इतने भाव से पढ़ो कि एक एक शब्द का अर्थ निकल के आए। यदि सामायिक में आप सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं तो एक एक बिल्कुल भाव सहित, एक एक भाव अंदर में। यदि आप सामायिक में 12 भावना पढ़ते हैं तो एक एक लाइन पे चिंतन मनन करते हुए बिल्कुल शांति के साथ में, मतलब 12 लाइन पढ़ने में आधा घंटा लग जाए, एक एक शब्द। आप भोजन करते हो ना, कैसे करते हो, ऐसे डाल की गटक लेते हो या चबाते हो, है ना। चबा लेते हैं, चबा चबा के फिर अंदर डालते हैं। और डॉक्टर कहता है आप जितना भोजन चबाओगे उसका रस उतना बनेगा, जितना भोजन चबाओगे उसका रस उतना बनेगा, उतनी आपको शक्ति मिलेगी, उतनी आपके अंदर में कम खाने के बाद भी एनर्जी ज्यादा आएगी। और यदि आपने वैसे ही गटक लिया तो ज्यादा खाने के बाद भी एनर्जी नहीं आएगी, ऐसे ही है ना। इसी तरह से मुंह से भोजन किया जा रहा है और मुंह से शब्द बोले जा रहे हैं। अब इन शब्दों को चबाना है। राजा राणा छत्रपति, अब राजा की कल्पना करो, राजा कौन है, एक महल देखा, एक राज्य देखा, उसमें एक राजा देखा, उसमें एक राणा देखा, है एक छत्रपति देखा जिसके ऊपर छत्र लगा हुआ है, उसको लेकर के राजा के ऊपर छत्र लगा के उसको चल रहे हैं, छत्रपति देखा। हाथी के असवार हैं, और जिनके हाथ में तलवार है, वो तलवार हाथ में लिए हुए व्यक्ति सामने, कल्पना में सामने आ गया। कैसे शब्द कैसे चबाया जाता मैं वो बता रही हूं आपको। अब वो व्यक्ति सामने आ गया, कौन सा व्यक्ति, जो हाथ में हाथी के असवार, हाथ में जिसके तलवार है, मरना सबको एक दिन। अब इस लाइन पे आ जाओ, अब फिर राजा को देखो, क्या सुख है उसके पास में, कितनी रानियां हैं उसके पास में, उसके कितने सैनिक हैं, उसके पास में कितने सुख हैं, उसके पास में सारे सुख हैं, उसके बाद भी मर जाएगा, मरना सबको एक दिन। फिर राणा के पास पहुंचो ऊपर, जो राणा महाराणा प्रताप से राणा बना, भाई राजा राणा छत्रपति, तो राणा को देखो, राजा जैसे ही राणा होते हैं, है ना। राणा का मतलब है वो भी होता है जो युद्ध में वीरता से युद्ध करते, युद्ध के जो सेनापति, रण यानी युद्ध, और युद्ध को सफलता कुशलता से करने वाला राणा, है ना। और उसको मान लो सेनापति, जो सेनापति होता है वो सबसे कुशल होता है।
तो ऐसे सेनापति को देखो, एक युद्ध चल रहा है और वीरता से सबको मार रहा है, उसे मृत्यु मार देगी, हो हो, राजा को भी मार देगी। इतने लोग रक्षा करने वाले, इतने लोग उसके पास खड़े हैं, सैनिक खड़े, दरबान खड़े हैं, कोई उसके पास पहुंच नहीं सकता उसको मारने के लिए, लेकिन मृत्यु पहुंच जाएगी, ठीक है ना। है राजा राणा, उसके हाथ में तलवार, वो दुनिया भर को मार सकता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज है जो उसको मार सकती है। इसको कहते हैं शब्दों को चबाना, है ना। राजा राणा छत्रपति, छत्रपति है, आसपास में लोग डंडे लेके चल रहे हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं, हैं वो चल रहे, दरबान चल रहे उनके साथ में, उसके पास कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन मृत्यु उसके पास पहुंच सकती है, जिसके हाथ में तलवार है। मृत्यु तलवार से भी नहीं डरती है, हैं। अब इतना आपने विचार किया, इतना आपने चिंतन किया, टाइम लगा कि नहीं लगा। ये होता है शब्दों को चबाना। अब इस शब्द को चबा करके आपने डाल लिया अंदर में कि जैसे वो सब मरेंगे, ऐसे एक दिन मुझे भी मरना है। यहाँ जब बड़े बड़े चले गए तो हम किस खेत की मूली हैं। मृत्यु एक दिन आएगी और मुझे भी मार देगी। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सब मृत्यु की लाइन में लगे हुए हैं। किसका नंबर कब आएगा वो देखने वाली बात है। जन्म लेते ही मृत्यु की लाइन में लग गए हैं, जन्म लेते ही। अब मृत्यु बचपन में जिसकी आ जाती है वो बचपन में चला जाता है, जो थोड़े और बड़े होके आती वो उसमें चला जाता है। तुम बड़े पुण्यवान हो कि इतनी उम्र तक पहुंच गए, तुम बड़े पुण्यवान हो कि तुम इतनी उम्र तक पहुंच गए, तुमने इतनी उम्र जी ली, तुमने इतना जीवन जी लिया। मृत्यु आई ये आश्चर्य नहीं है, जीवन जी रहे हो ये आश्चर्य है। और जीवन किस तरह से जिया जा रहा है ये उससे बड़ा आश्चर्य है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये लाइन आपने पढ़ी, और इसके बाद थोड़ी देर बाद चिंतन करते करते किसी की अर्थी देखो, आप किसी के यहाँ मरने में गए थे तो उनकी अर्थी देखो, आपने किस किस को कांधा दिया, जैसे पुरुष होंगे तो किस किस को कांधा दिया है वो देखो, कि फिर वहाँ जलती हुई चिता देखो। दो लाइनों में 10 मिनट लगा दो। इसको कहते हैं शब्दों को चबाना। जब जब शब्द चबाना आ जाएगा तो आपके अंदर ये शब्द उतरने शुरू आत्मा में हो जाएंगे। अभी जुबान से पढ़ते हो, आत्मा से नहीं पढ़ते हो। जिस दिन ये शब्द आत्मा में पहुंच जाएंगे ना, उस दिन भावों में परिवर्तन आ जाएगा। अभी तो किसी के यहाँ बैठने जाते हो तो केवल उसके शोक कुछ लेते हो, अरे क्या हो गया था, कैसे हो गया था, फिर वो रोते रोते बताएगा, हमें तो पता ही नहीं, उनने तो शाम को अच्छे से खाना खाया, हमसे अच्छे से बातचीत करी, रात को अच्छे से सोए थे, सुबह उठे ही नहीं वो, बस इतना सुन सुना के और चले आते हैं। जबकि यदि आप किसी के यहाँ मृत्यु पर जाते हो तो इन लाइनों पर वहां बैठकर चिंतन करो कि राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार और मरना सबको एक दिन। वहां बैठ के वहां सबके सुनते रहो और चिंतन करते रहो मन में कि जैसे एक दिन ये गया है, एक दिन मुझे भी जाना है। फिर उसके जीवन को देखो कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसके जीवन को पढ़ो। अब वो कहाँ गया होगा उससे अंदाज लगा लो, वो कहाँ गया होगा उससे अंदाज लगा लो। फिर अपने ऊपर आओ कि मुझे कहाँ जाना है। उसने जो गलत काम किए वो मुझे नहीं करने हैं, उसने जो बुरा किया है वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि जहां वो गया वहां मुझे नहीं जाना है। बात समझ में आई कि नहीं। केवल दो लाइनों पे आप चिंतन करते रहो, मनन करते रहो, इसका नाम है सामायिक। अब समझ में आ गई। आप चाहे 12 भावना पे सामायिक कर लें, आप चाहे 16 करण भावना पे सामायिक कर लें, आप चाहे तो वो और भी विराग भावना है उस पर सामायिक कर लें, आप चाहे तो 6 ढाला पर सामायिक कर लें, आप चाहे तो वैराग भावना है, विराग भावना है उस पर सामायिक कर लें, आप चाहे तो जो केवल रवि किरणों की पूजा है उस पर सामायिक कर लें। वो पूजा मंदिर में बैठ के करने की नहीं है, वो पूजा तो सामायिक में बैठ के करने की है। उसको तो आराम से बैठ जाओ केवल रवि किरणों से। तो केवल रवि किरण किसकी है, अरिहंत भगवान की है।
संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। फिर भगवान को देखो कि उनका संपूर्ण वहां प्रकाश फैला हुआ है, उनका आभा मंडल फैला हुआ है, उनका भा मंडल फैला हुआ है, ऐसे एक एक लाइन पे उस पे चिंतन कर लो। असामयिक करने वाला अपने जीवन को अच्छी तरह से बना सकता है और अच्छे से जीवन जी सकता है, और जो सामयिक नहीं करता है, जो चिंतन मनन नहीं करता है, जो सोच विचार नहीं करता है, उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है उसे भी नहीं पता है, वो भी नहीं जानता कि किस गड्ढे में गिरेगा जा करके। जो सामयिक नहीं करता है वो जल्दी से उबल जाएगा, जल्दी से इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो सामयिक करता है उसके अंदर धैर्य आता है, उसके अंदर सुनने की क्षमता आती है, उसके अंदर सोचने की क्षमता आती है, उसके अंदर समझने की क्षमता आती है, वो समझना शुरू कर देता है। और जो चिंतन मनन की सामयिक नहीं करता है उसके अंदर तो बस वो गुणा भाग दुनिया भर का चलता ही रहता है, क्या बनाना है, क्या करना है, शाम को क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, हैं उसको कितना देना है, उसको कितना लेना है। चलिए सामायिक करते हुए, सामायिक करने से आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप ये सब काम करते हुए भी आपके परिणाम शुद्ध होंगे। और जो होश में क्रोध करता है, दो तरह का क्रोध होता है, एक होश में, भाई बहुत दिन हो गया अब इसको दवाई देनी जरूरी है, अभी ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हैं? तो अंदर में पता भी चल रहा कि मैं क्रोध कर रहा हूं, उसे कितना डोज देना है इस बात का ज्ञान होता है। और जब उतना डोज दे देते तो दवाई जितनी मात्रा में देनी चाहिए उतनी दी है ना, तो सामने वाला समझ भी गया, बीमार भी नहीं हुआ, स्वस्थ भी हो गया। और जितनी डोज देनी थी आपसे 10, आपने उससे 10 गुनी डोज दे दी, अब उल्टा पासा पड़ जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे, वो तुम्हें बीमार कर देगा, है ना। तो इसीलिए आप चलते हो, चलते हुए आपको पता चलता कि आप चल रहे हो, नहीं चलता, दिमाग कहीं और खोया रहता। आज यहाँ से घर जाओगे ना, तब आप यहाँ से आप जाते समय अपने आप को देखना कि हम चल रहे हैं, हमारे पांव कैसे चल रहे हैं, हमारे हाथ कैसे हिल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। यानी एक तो होता है सोच और एक होता है सोच को देखने वाला, दो जने हो गए अब यहाँ पे, एक होती है सोच और एक होता है सोच को देखने वाला। हम क्या सोच रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन आदमी सोचता तो है, उसे पता ही नहीं रहता कि वो क्या सोचे जा रहा है। धर्म इसी की शिक्षा देता है कि होश में आओ, क्रोध भी कर रहे हो तो होश में करो, जरा कंट्रोल में रहेगा, होश में रहोगे तो कंट्रोल में रहेगा, और बेहोशी में करोगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और जो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल चलती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, होता नहीं होता है? तो गाड़ी को संयम में रखने के लिए होश जरूरी है। आप खा रहे हो, खाते समय आपको पता चलता कि आप खा रहे हो, दिमाग में विचार चलते रहते हैं, सोचते रहे, उसमें भी सोच, रोटी बना रहे हैं तो उसमें भी सोच चल रही है, ये मतलब हाथ को तो आदत पड़ गई रोटी बेलने की, लोई बनाने की, तवा पे रोटी पलटने की, तो वो तो चलते रहते हैं, और दिमाग कहीं और चलता रहता है, यही है ना। इसका मतलब तुम होश में नहीं हो, दिमाग कहाँ चल रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। यदि ये आपको मालूम नहीं है, मतलब तुम खो गए, वो तुम्हें ही पता नहीं। कई बार तो बोलते समय भी होश खो देते हैं, फिर क्या बोलते, अरे गलती से बोल दिया, कहते हो कि नहीं कहते हो, अरे गलती से बोल दिया, मुंह से निकल गई हमारे, अब मुंह किसका है, तुम्हारा मुंह, वो तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गई तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे कंट्रोल के बिना निकल कैसे गई, कंट्रोल नहीं है मुंह पर। तो मुंह पर कंट्रोल करने के लिए, मन पर कंट्रोल करने के लिए, शरीर पर कंट्रोल करने के लिए होती है सामायिक। हमारी श्रद्धा कितनी है, हमें ज्ञान कितना है, हमारी योग्यता कितनी है, हमारी क्वालिटी कितनी है, हमें कितना सम्मान मिल रहा है, हमें कितना मिलना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी से ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। यदि ज्यादा मिल रहा है तो खुश रहो कि हम में कुछ गुण तो है नहीं है, फिर भी लोग मेरा सम्मान करते हैं, चलो बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इन सब बातों का ज्ञान, चिंतन मनन, जो मंथन होता है ना, वो सब सामायिक में करना चाहिए बैठकर।
सामायिक में सब बाहर की चीजों का त्याग करके बस यही करना चाहिए कि मैं अच्छा कैसे बनूं, मेरे भाव अच्छे कैसे हों, मेरे परिणाम अच्छे कैसे हों, मैं दूसरों को सुखी कैसे करूं, मैंने आज तक दूसरों को दुखी कितना किया है, मैंने कितनों पर क्रोध किया है, करने की जरूरत थी क्या? यदि नहीं करते तो क्या काम नहीं चल जाता? मन में अपने आप ही सोचो कि मैंने उस पर क्रोध किया, यदि हम क्रोध ना करते और यदि हम उससे शांति से कह देते तो क्या वो काम करता कि नहीं करता? यदि कर देता तो फिर मैंने क्रोध क्यों किया? मैंने अपने परिणाम भी खराब करे, मैंने सामने वाले के परिणाम भी खराब करे, ऐसा विचार चिंतन मनन सामायिक में बैठ के करने से जीवन इतना अच्छा बनेगा, इतना अच्छा बनेगा कि आपके 23 घंटे वो उतनी क्वालिटी पैदा नहीं करेंगे जितना आपका सामायिक का 1 घंटा आपके अंदर परिवर्तन ला देगा। आपको सामायिक का सुन के अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वो हो जाएगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो एक दिन में हो जाए तो एक दिन में नहीं होगा। उसके अनंत काल से भटका हुआ ये मन ये आत्मा, तुम सोचो एक दिन में हो जाए? बिल्कुल नहीं होने वाली एक दिन में। एक दिन में तो ये पंखा है ना, ये पंखा जब आप इसको बंद करते हो ना तो बटन तो बंद हो जाती है, पंखा भी धीरे धीरे बंद होता है, है? जे घंटा बजता है ना तो घंटा तो तुम तन्न कर देते हो, गूंजती रहती है, तो क्या सोचते हो तुम्हारा मन 1 सेकंड में शांत हो जाए? इस मन को शांत करने के लिए तो कई भाव लग जाते हैं। शुरुआत तो करो, शुरुआत ही नहीं करोगे तो कभी नहीं होने वाला है। शुरुआत करो, है ना? पहले 5 मिनट लगेगा, फिर 10 मिनट लगेगा, तुम बैठे रहना, तुम कुछ पढ़ते रहना, भाव लगाते रहना, वो फिर भागेगा, तुम फिर पकड़ना तो वो फिर भागेगा, तुम फिर पकड़ना, फिर अरिहंत भगवान का ध्यान करना, फिर तीर्थों का ध्यान करना, ऐसे करते करते धीरे 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 मन स्थिर होना शुरू हो। कभी सांसों पर ध्यान देना, कभी अपनी आंख पे ध्यान देना, कभी अपने विचारों पे ध्यान देना, हम क्या सोच रहे हैं, धीरे धीरे करके होगा। है, तुमने घंटा तो एक बार बजाया है, एक बार तन्न किया है, और कितनी देर तक? और इस आत्मा में तो अनंत काल के तन्न पड़े हैं, अनंत काल के तन्न पड़े हैं, उसमें भी तुम ग्रस्ती में रह रहे हो, उसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से घुसे हुए हो। निकालने में समय तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी। एक कढ़ाई है, वो आपने चूल्हे पर चढ़ाई, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, अब उसको साफ करो। अरे बोलिए ना, धीरे धीरे होगी। बस ऐसे ही आत्मा में अनंत काल से कर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, अनंत काल से आत्मा में क्रोध मान माया लोभ के संस्कार हैं, इनको ये एक दिन में नहीं जाएंगे, लेकिन शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ेगी। और उसकी शुरुआत यदि आज से ही हो जाती है तो बस फिर क्या कहना है, जब जागे तभी सवेरा। कम से कम आप 25 साल में जाग गए, 50 साल में जाग गए, 60 साल में भी जाग गए, जाग गए ये पुण्य है तुम्हारा। और इतना सुनने के बाद भी नहीं जागे तो समझना फिर तो कोई तीव्र कर्म है जो दुर्गति में ले जाने वाला है। तो सामायिक कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? तो अभी आप 35 मिनट की शुरू करो, 1 घंटा की शुरू नहीं करो, आपसे 1 घंटा नहीं बैठा जाएगा। आप 30 मिनट 35 मिनट के बीच की शुरू करो, इसमें आप सामायिक पाठ पढ़ सकते हो, इसमें आप 12 जो मैंने आपको बताया वो सारे आप कर सकते हो। तो अभी आप 2 महीने का नियम लो, पहले जिंदगी भर का नहीं लो, बाहर आने जाने की छूट रखो, है? और बीमार हो तो उसमें पड़े पड़े कर लो, बीमार में कुछ काम तो होता नहीं है, बीमारी में कुछ काम तो होता नहीं है, बस लेटना पड़ता है, कोई काम नहीं है तो लेटे हैं फालतू पड़े, चलो सामायिक ही कर लेते हैं, लेटे लेटे कर लो, कर तो लो। अभी केवल शुरुआत 2 महीने से करो, ठीक है? चलिए हाथ उठाइए। नहीं नहीं, कोशिश वाले कभी, कोशिश वालों की बात मैं मानती नहीं हूँ, नियम ही लेना पड़ेगा तभी ये मन कंट्रोल में आएगा। जो नियम नहीं लेता है, जो संकल्प नहीं लेता, उसका मन कंट्रोल में आ ही नहीं सकता है।
इस मन को कंट्रोल करने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। और जो लोग कोशिश करने वाले होते हैं वो समझ लो टाल रहे हैं, और उसमें वो मुझे नहीं टाल रहे हैं, वो खुद को टाल रहे हैं। इसलिए जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वे भी हाथ उठाएं और संकल्प करें कि कम से कम 2 महीने तो सामायिक आधा घंटा की करनी ही करनी है। सामायिक का समय, एक मिनट, सामायिक का समय यदि आप निश्चित कर लेती हैं तो आपके मन में घंटी बजनी शुरू हो जाती है। जैसे 12 बज गए तो हमारे सामायिक का समय हो गया, हमारे दिमाग में घंटी बज गई, चलो सामायिक करनी है। यदि हम कहेंगे चलो कभी भी सामायिक कर लेंगे, अरे चल थोड़ी देर और बैठ लें, कोई बात नहीं है, 1 बजे सामायिक कर लेंगे, 1 बजे कोई दूसरा आ गया, चल 2 बजे कर लेंगे, हो सकता सामायिक ही ना हो। इसीलिए यदि आप जैसे आप सुबह सुबह मंदिर आते हैं, आपका टाइम निश्चित है, तो आप कितने का काम घर में हो तो भाई पहले मंदिर हो आएंगे, बाद में घर घर काम करेंगे, ऐसे ही है ना। और यदि आप अरे चल अगले थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, अरे चल 9 बजे चले जाएंगे, अरे चल 10 बजे, हो सकता मंदिर ही ना जा पाओ। इसीलिए जैसे बच्चों का स्कूल है बिल्कुल फिक्स टाइम पर है, कोर्ट खुलता है फिक्स टाइम पर खुलता है, ऑफिस खुलते हैं फिक्स टाइम पर खुलते हैं, ऐसे ही, क्योंकि टाइम फिक्स करने से दिमाग सेट हो जाता है। 11 बज गई, भूख का टाइम हो गया, रोटी का टाइम हो गया, भोजन का टाइम हो गया, अभी पेट में भूख नहीं लगी लेकिन घड़ी देख ली, दिमाग ने घंटी बजा दी, रोटी भोजन का टाइम हो गया। तो ऐसे ही आप सामायिक का काम टाइम फिक्स करो, इससे तुम्हारा टाइम होते ही तुम 10 काम छोड़ के बैठोगे। इसलिए फिक्स हो जाए तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, आपके आगे आने वाले समय के लिए संस्कार हैं। और संस्कार यदि आपके जब बुरे संस्कार पड़ सकते हैं तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं पड़ सकते हैं। जब हम अन्य काम संसार के कामों के लिए टाइम फिक्स कर सकते हैं तो हम धर्म के लिए टाइम फिक्स क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। इस गृहस्थी में तो तुम 25 घंटे और 28 घंटे भी दे दो तो ये खत्म होने वाली नहीं है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। और जो सोच लेता है, जो संकल्प ले लेता है, वो टाइम निकाल भी लेता है। और जो संकल्प नहीं लेता है उसे घर के काम ही नजर आते रहते हैं, अब ये और कर ले, अब ये और कर ले, अब ये और कर ले, वो तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई। तो बात तो मुझे कुछ और करनी थी लेकिन बात आज सामायिक पर हो गई। लेकिन अच्छा लगा कि नहीं लगा आपको, समझ में आया कि सामायिक क्या है ना, साधु क्या करते हैं सामायिक में। नहीं तो कुछ लोग कहते अरे माता जी माला फेर रही हैं, है ना। यदि साधु माला भी फेर रहा है तो उसकी माला भी स्पेशल है, उस माला में भी चिंतन मनन चल रहा है। वो वाली माला नहीं चल रही, हाँ वो वाली माला नहीं चल रही है। आप लोग ऐसे ही तो फिरते हैं, आपकी नमोकार मंत्र की माला में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट। अब देखो चलो 3 मिनट मान लो, 4 मिनट मान लो, 7 मिनट वाले फिर भी ठीक कर रहे हैं। माला में यदि 7 मिनट लग रहा है मतलब आप गाड़ी पटरी पर है, ठीक है। अब मन कितना पकड़ पा रहा है भगवान को ये आप देखो, चाहे 8 मिनट लगाओ, चाहे 10 मिनट लगाओ, 15 लगा दो, मन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा नमोकार मंत्र। सामायिक में यही करना है कि मन से नमोकार मंत्र पढ़वाना, पढ़ नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। यदि 9 बार 27 बार आपने ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ लिया आपकी सामायिक हो गई। एक माला तो मुश्किल से हो पाती है, आप 27 बार हैं और 36 बार ऐसे आप जितना भी पढ़ सको ध्यान से नमो अरिहंताणम, फिर मन में सोचो नमो अरिहंताणम अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धाणम में सिद्धों की कल्पना करो, आचार्यों की कल्पना करो। तो ऐसे धीरे 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 करके मन शांत होता है। और इसी तरह से आप पदम प्रभु की भगवान की माला फेरो तो भगवान सामने आने चाहिए। ओम नीम श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः, फिर थोड़ा रुको, फिर भगवान को देखो, फिर थोड़ा रुको। सामायिक में जो करोगे ना वो यही करना है, सामायिक में जल्दी जल्दी नहीं करना है। आप भले माला फेरो
तुम्हारा भी आराम से, आप उसमें कुछ भी पढ़ो तो आराम से, कुछ सोचो तो आराम से, मतलब मन को पकड़ने के लिए आप उसे पकड़ नहीं सकते, इस ऐसे सामायिक करके आप अपने मन को साध सकते हो। और मन को साधना ही दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। एक मिनट, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, सामायिक प्रतिदिन संकल्प पूर्वक करने का, रहने के लिए तन का, सोचने के लिए मन का, और सामायिक में चिंतन का, बच्चों के बढ़ने का, कढ़ाई में कढ़ने का, और सामायिक में धीरे 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 पढ़ने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, सामायिक में ध्यान लगाने का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में पालनपुर का, ये जो जहाजपुर में आए उनका है, भोपाल, अच्छा रोज आ रहे भोपाल वाले, आने में नए साल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का, प्रतापपुर, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में प्रतापपुर का। पुर वाले इकट्ठे बताओ सारे, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में डीमापुर का, तलवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में तलवाड़ा का, रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। हम लोग भोपाल से आए हैं, जहाजपुर के बारे में बहुत सुना था, उससे भी अच्छा यहाँ आके पाया, बहुत ही शांति है, भगवान की प्रतिमा तो ऐसी कि बस देखते ही रहो, माताजी ने बहुत ही अच्छा तीर्थ बनवाया है बस, और आज शांति धारा करने का अवसर हमारे परिवार को मिला है, बस ऐसे ही आगे आने का अवसर हम लोगों को मिलता रहे, भगवान की इतनी ही कृपा हम पर बनी रहे। भगवान जी के यहाँ आके ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता, ऐसा लगता है साक्षात भगवान के समूह शरण में आके बैठे हो अपन, मन को बहुत ही ज्यादा आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है घर पे आके। सभी को जय जिने। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। से ज्योति को जला के प्रभु वर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न, श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी,
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।